चलो बच्चे लोग, आज हम लोग पढ़ते हैं 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसमें और यहां पे है एक्स माइनस 1। इस तरह के क्वेश्चन का कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। चलो सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे और क्या करेंगे। आपको बताया था इसका फॉर्म क्या होता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन के कौन से फॉर्म पे टूटता है। देखो हम इसको यहां लिख दें या फिर इसको यहां लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में मल्टीप्लाई है तो हम इसको आगे लिख दे रहे हैं यहां पे और इसको बाद में लिख दे रहे हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बताओ तो इसको इतना लिखा जा सकता है a बटे में एक्स माइनस 1। और बताया था कि अगर x के अंदर में अगर स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिखते हैं bx प्लस c और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। ये पांचवें नंबर फॉर्मूला पर आता है पार्शियल फ्रैक्शन के एनसीईआरटी। चलो चलो अब मुझे क्या करना, फिर से हमेशा की तरह एलसीएम वगैरह लेना है। चलो एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स माइनस 1 कैंसिल तो a के साथ क्या लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी के साथ क्या लगेगा तो एक्स माइनस 1। और ये आप पूरा यहां से नोट कर लो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा कैंसिल हो गया यहां से। x इक्वल टू क्या बचा हमारे पास a एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1। इसको फर्स्ट मानना था और इसको सेकंड मानना है। यहां तक पहले बताओ सबको समझ में आ गया। चलो अब मुझे अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे ये टर्म को जीरो करना पड़ेगा और ये टर्म को जीरो करने के लिए एक्स का वैल्यू कितना पुट कर दो बोलो। एक्स के जगह पर वन पुट कर देंगे तो ये पूरा जीरो और यहां से ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जहां जहां एक्स है वन रख दो, ये तो पूरा जीरो यानी कि ए की वैल्यू 1/2 हो जाएगी यहां से। चलो ए की वैल्यू निकल गई, अब हमें बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक चीज बताओ, बी और सी तो आपस में मिक्सिंग है, इसको निकालने के लिए देखो हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है क्या। अब आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा बी यहां पर किस फॉर्म में है। तो पहले आप देखिए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स स्क्वायर मिलेगा और बी को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी एक्स मिलेगा। मतलब बी दो जगह आएगा, एक एक्स स्क्वायर के साथ आएगा और एक्स के साथ आएगा। तो आपका अगर मन है तो आप चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट का दोनों तरफ कंपेयर कर दो। यानी देखो अब इसके बाद कैसे हम लोग बी का मान निकालते हैं, ध्यान समझना। हम ऐसे लिखेंगे ऑन इक्विटी द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को इक्वेट करने जा रहे हैं। इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, कोई कॉफिशियंट ही नहीं है, तो इधर तो जीरो हो जाएगा पूरा। अब यहां देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट ए मिलेगा कि नहीं। फिर देखो फिर एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट फिर यहां पर मिलेगा बी, और भी कहीं एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट मिलेगा तो नहीं मिलेगा क्योंकि देखो मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, फिर यहां भरी मल्टीप्लाई करोगे लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर तो मिलेगा नहीं इससे। तो एक्स स्क्वायर कहां कहां मिलेगा, एक तो ए के साथ मिलेगा कि नहीं यहां पे, सही में आ रहा है, और एक बी के साथ मिलेगा सिर्फ। तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को दोनों तरफ इक्वेट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर तो यहां पर है ही नहीं, जीरो लिख देंगे। यहां पर मिलेगा ए का कोफिशियंट होगा, एक्स स्क्वायर यहां लिखेंगे तो बी के साथ मिलेगा। देखो तो अगर हम ए का मान पुट कर देंगे तो बी का तो वैल्यू निकाल देंगे, ए का मान तो निकल ही चुका हमारे पास है, तो b का मान इधर जाएगा तो माइनस 1/2। चलो a भी निकल चुका है b भी निकल चुका है, अब बात करते हैं c कैसे निकलेगा। तो देखो c भी कुछ इसी तरीके से निकलता है, उसको भी इक्वेट करना पड़ता है। अब देखो पहले c तुम्हारे पास किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो सी एक्स माइनस सी मतलब x के साथ भी है और c अकेले भी है, मतलब c कॉन्स्टेंट है पूरी तरीके से। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ कॉन्स्टेंट टर्म का कंपेयर कर रहे हैं जिसमें सिर्फ सॉरी जिसमें एक भी एक्स ना हो। तो लास्ट में लिख रहे हैं ऑन इक्वेटिंग या ऑन कंपेयरिंग जो भी है
ऑन इक्वेटिंग लिख दीजिए द कॉन्स्टेंट है, ऑन इक्वेटिंग द कॉन्स्टेंट बोथ साइड। चलो बताओ तो इधर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, इधर तो ऐसा कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं जिसमें एक्स नहीं है, तो जीरो हो गया। यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगा जिसके साथ एक्स नहीं है, देखो यहां पर एक्स उस पर है और यहां पर तो एक्स नहीं मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे, तो कॉन्स्टेंट यहां पर ए मिल सकता है। अब देखो यहां पर कॉन्स्टेंट क्या मिलेगा, अब इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रहेगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसमें एक्स रहेगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स रहेगा, लेकिन सी में माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स नहीं रहेगा, यानी कि माइनस सी। समझ में आ रहा है? चलो तुमको प्रिया समझ में आ रहा है? तो मुझे सी का मान निकालना है, ए की वैल्यू पुट कर दी है तो सी को इधर लेके आ जाओ, तो सी इज इक्वल टू वन बाई टू हो गया। तो ये ए की वैल्यू भी निकल गई, बी की वैल्यू भी निकल गई, सी की वैल्यू भी निकल गई, और तीनों की वैल्यू को निकालने के बाद उस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। पुट कर दे रहे हैं, यहां तक सब नोट कर लिए। देखो पुटिंग द वैल्यू ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दीजिए, तो इधर तो यही रहेगा। बताओ तो ए की वैल्यू कितना निकाले थे, वन बाई टू, और बी की वैल्यू आया था माइनस वन बाई टू ना, और सी की वैल्यू है वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। सही मैं वैल्यू पुट कर दिए सर, अब लिखेंगे ऑन इंटरगेटिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ इंटरगेशन लेके चलो यहां से। देखो यहां पर दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, एक पार्ट में माइनस वन बाई टू बाहर निकलेगा और अंदर में बचेगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहां से वन बाई टू बाहर निकालेंगे बच्चे लोग तो क्या बचेगा, वन बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वन, इतना होगा। चलो अब क्या करो, सबका इंटीग्रेशन बताओ, इसका तो लॉग में होगा लॉग मॉड, लेकिन देखो इस तरह के क्वेश्चन को नीचे को डिफ्रेंशिएट करने पर अगर ऊपर आएगा तो पूरा लॉग में लिखा जा सकता है, नीचे को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, मतलब 2x, अगर यहाँ पर 2x रहता है तो हम सीधे इसको लॉग में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2x नहीं सिर्फ x है, हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि माइनस वन बाई फोर लिख दें लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो वन बाई टू ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, वन बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वन किसका होता है, टैन इनवर्स एक्स वेरी गुड प्लस सी, और इस टाइप का हमारा निकल गया अब इंटीग्रेशन फाइनल। तो इस तरह के इंटीग्रेशन हमेशा सेट हो जाएंगे, एक लॉग पर आ जाएगा नीचे वाला मानने पर, दूसरा वाला हमेशा यही सेट होगा, और ये हमेशा कोई ना कोई टैन के फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा।